तो कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल IRB Tech पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, UG सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है और सभी कॉलेज अपना अपना एडमिशन लेने की तैयारी कर रही है। तो इसी बीच SBSS PSJ कॉलेज ने भी अपना नोटिस, ऑफिशियल नोटिस जारी किया है कि जो भी सेमेस्टर 1 में पास हो गए हैं वो ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं इस कॉलेज से। जो भी है ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियल नोटिस है इनका। ये UG सेमेस्टर 1 2023 में जो भी उत्तीर्ण हुए हैं वो UG सेमेस्टर 2 में ऑनलाइन ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं और उसका जो हार्ड कॉपी है वो आप कॉलेज में ले आके जमा करेंगे। ये डेट 11 अगस्त से 31 अगस्त तक का डेट वो दिया गया है। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है दोस्तों, कुछ रीज़न था इसलिए लेट हुआ है। तो इसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं कि आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, समझें, उसके बाद फॉर्म फिलअप करें। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन करनी है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउज़र यूज करें और डेस्कटॉप मोड ऑन कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे SBSSPSJCollege.org, उसके बाद क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये कॉलेज का वेबसाइट है और ये इसका होम पेज है। यहाँ पे लॉगिन पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ईमेल ID, यूजर नेम या और पासवर्ड यहाँ पे मांगा जाए आपसे। अगर आपके पास पहले से आईडी है तो आप यहाँ पे डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये छोटा सा फॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक यूजर नेम मांगा जाएगा। यहाँ पे आप यूजर नेम कुछ भी रख सकते हैं, आप ईमेल ID ही रख दें तो बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, ईमेल आईडी आप जो भी आपका वैलिड है वही डालेंगे, मोबाइल नंबर में जो वैलिड है वही डालेंगे और एक पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। मेरे पास पहले से आईडी है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अगर आपका पासवर्ड, अगर आप आईडी बनाए और अगर पासवर्ड आपका याद नहीं है, खो गया है, तो आप यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके भी आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, UG सेमेस्टर 2023 एडमिशन फॉर्म लिंक, यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे फी स्ट्रक्चर, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पहले अपना यहाँ पे फी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लें। ये सबसे पहले आज का दिया हुआ यहाँ पे ST SC BC 1 BC 2 के लिए 2500 फी है और ये ट्रांजेक्शन चार्ज छोड़ के है। इसके अलावा आपका ट्रांजेक्शन चार्ज जो कटता है वो कट सकता है। फिर वार्ड PH के लिए 1080 है, जनरल के लिए 2500 है। उसके बाद कॉमर्स के लिए ST SC BC BC 1 BC 2 के लिए 2500 है, जनरल के लिए भी 2500 ही है। साइंस का ST SC BC 1 BC 2 के लिए 2770 रुपया है और जनरल के लिए भी 2770। इस बार दोस्तों BC 1 BC 2 SC ST और जनरल का सेम यहाँ पे फी रखा गया है एडमिशन फी। तो आप इसको ध्यान से पहले देख लेंगे, यही जो भी आपका स्ट्रीम है वही आपको सेलेक्ट करना होगा आगे फॉर्म भरते हो। तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब पैसा गेटवे का एक वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन फी पेमेंट लिखा हुआ रहेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आई हेयरबाय पे टिक करना है और फिल अप द फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक और टैब खुल जाएगा, थोड़ा वेट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ये टैब आपका ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेंट सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर एक सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप अपना UG सेमेस्टर 2 सेशन 2023 ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे अच्छे से फिलअप करना है, सब सही सही फिलअप करना होगा आपको। अगर मिस्टेक करते हैं तो
आपको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए आप यहाँ पे सारा डिटेल्स आप सही सही फिलअप करेंगे, अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स को लेके, डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपका डिटेल है सारा सेम सेम यहाँ पे आप डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेशन चूज करना होगा 20-23, उसके बाद यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालेंगे, आपका जो सेमेस्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आपने रिजल्ट देख लिया होगा, उस रिजल्ट पे आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर रहेगा, वो यहाँ पे आप डालेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं मिला होगा। तो अगर अगर जिसका भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है और रिजल्ट शो नहीं कर रहा है तो उसका ये फॉर्म अभी फिलअप नहीं होगा, जब तक उसका रिजल्ट उसके उससे मिल नहीं जाता है, आपका रिजल्ट अगर जब तक आपको मिल नहीं जाता है तो आप तब तक आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर मांगा जा रहा है। और इसके लिए आपको बता दें, जिसका भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है रिजल्ट पे सेमेस्टर वन का, तो वो यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, वहाँ से उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, क्योंकि कॉलेज द्वारा जो भी इंटरनल मार्क्स था वो भेज दिया गया था, और बाकी जो प्रॉब्लम आ रहा है यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपना रिजल्ट के लिए यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप स्टूडेंट नाम डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, उसके बाद फादर नाम डालेंगे, मदर नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना, जो भी BC1 BC2 SC ST जो भी हो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालेंगे, पिन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से भरना है, आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आपका आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोर्स में अगर आप आर्ट्स सेलेक्ट किए हैं तो BA होगा, अगर साइंस सेलेक्ट किए हैं तो BSc होगा, अगर कॉमर्स सेलेक्ट किए हैं तो BCom होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करें, यहाँ एक ही ऑप्शन रहेगा 2, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको कोर सब्जेक्ट डालना है, कोर सब्जेक्ट मतलब जो भी आप ऑनर्स पेपर रखे हैं वो ऑनर्स पेपर यहाँ आपको डालना है। मान लीजिए आप हिस्ट्री रखे हैं तो यहाँ पे आप हिस्ट्री डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल इलेक्टिव GE में आप क्या रखे हैं वो डाल देंगे, और हिंदी रखे तो हिंदी डाल देंगे, अगर जो भी आप रखे वो डाल देंगे। उसके बाद ACC में आपने क्या लिया वो भी, ACC में ऑटोमेटिक रहेगा, सॉरी दोस्तों EBS ऑटोमेटिक यहाँ पे दे रहा है कॉलेज द्वारा, तो आप EBS यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फी सेलेक्ट करना है, आपने वहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया था कि आपको कौन सा फी स्ट्रक्चर है, ये 2770 साइंस के लिए था, 2500 आर्ट्स के लिए था, तो आप यहाँ पे आर्ट्स के लिए अभी कर रहे हैं तो 2500 ये सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी हो वो आप सही से देख के सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आएंगे सही है कि नहीं, उसके बाद यहाँ पे आपको प्लीज़ एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद नहीं तो आप प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ मिस्टेक लग रहा है तो गो बैक जाके फिर से सुधार कर सकते हैं, सही करके फिर से सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको सब सही लग रहा है तो यहाँ पे प्लीज़ एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन है, आप इसमें से किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, तो आपका फॉर्म सक्सेस हो जाएगा। दोस्तों मैं अभी पेमेंट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई एक्चुअल कोई कैंडिडेट है नहीं फॉर्म भरने के लिए, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए फॉर्म भर रहा था और मैं एक्चुअल फॉर्म नहीं भर रहा, इसलिए पेमेंट करके आपको नहीं दिखाऊंगा। आप जैसे यहाँ पे कोई भी पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद एक आपको सब पैसा का एक ट्रांजेक्शन स्लिप भी देना होता है। दोस्तों ट्रांजेक्शन स्लिप कैसे निकालना है इसके लिए, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को देख के आप पेमेंट जो ये है सब पैसा का जो पेमेंट गेटवे है उसका ट्रांजेक्शन स्लिप आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज में जो जमा करना होगा तो ट्रांजेक्शन स्लिप के साथ जमा करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म जमा नहीं लिया जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो UPI का ऑप्शन जो है दोस्तों, अगर ये UPI के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें चार्ज बहुत ही कम कटता है आपका अकाउंट से, अगर डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आपका चार्ज कटेगा, इसलिए आप कोशिश करें कि UPI सेलेक्ट करें, अगर किसी के पास UPI ऑप्शन है तो आप UPI से पेमेंट करें, आपका चार्ज कम लगेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, समझ में नहीं आया तो आप वीडियो में कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।
धन्यवाद।